बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक फरमान बताऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मक्खी की वजह से एक आदमी जहन्नम में चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सिर्फ मक्खी की वजह से जन्नत में चला गया और दूसरा जहन्नम में। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो कैसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी एक कबीले के पास से गुजरे। इस कबीले का एक बुत था जिस पर चढ़ावा चढ़ाया जाता था, यानी चढ़ावा चढ़ाए बगैर कोई आदमी वहाँ से नहीं गुजर सकता था। चुनाचा इनमें से एक शख्स से कहा गया कि उस बुत पर चढ़ावा चढ़ाओ। इसने कहा, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं। कबीले के लोगों ने कहा, तुम्हें चढ़ावा ज़रूर चढ़ाना पड़ेगा, ख्वाह मक्खी ही पकड़कर चढ़ाओ। मुसाफिर ने मक्खी पकड़ी और बुत की नज़र कर दी। लोगों ने इसे जाने दिया। चुनाचा वो इस चढ़ावे की वजह से जहन्नम में चला गया। कबीले के लोगों ने दूसरे आदमी से कहा कि तुम भी कोई चीज़ बुत की नज़र करो। इसने कहा, मैं अल्लाह अज़्वजल के अलावा किसी दूसरे के नाम का चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगा। लोगों ने इसे कत्ल कर दिया और वो जन्नत में चला गया। किताब का हवाला ये नीचे मौजूद है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है ये सिर्फ अल्लाह ही के लिए होता है, अल्लाह ही को नज़र दी जा सकती है, इसके अलावा किसी को नहीं। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे ज़रूर शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।